खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली नवाबगंज विधानसभा के ग्राम बीजा मऊ में पिछले 6 दिनों से चल रहे सतनामी साध समाज की वार्षिक भंडारी के आखिरी दिन विधायक कैंस बता दें आपको कि केसर सिंह एसपी ग्रामीण संसार सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नीरेंद्र सिंह राठौर जिला पंचायत सदस्य नीरू सागर वरिष्ठ पत्रकार रियाज अंसारी बीजामऊ पहुंचे और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। दूरदराज से आए साधु समाज के लोगों ने भंडारे में शामिल हो भंडारे को सफल बनाया। पूरे बरेली मंडल में एक गांव है छोटा सा बीजामऊ और जहां भंडारे का आयोजन हुआ है और सभी देश पूरे देश से यहां पे लोग आए हुए हैं और विधायक गण और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं बाकी और नेतागण यहां पे आ रहे हैं। वो लोग भी देखें साथ समाज को और वो लोग जाने इस चीज़ को और इनका जीवन के बारे में जाने और ये सब चीज़ें जिससे कि पूरा देश या पूरी तहसील या पूरा हमारा बरेली किसी के बारे में जान सकते हैं। वो लोग आते हैं धन्यवाद। एकता का इन्होंने जो संदेश दिया है और ये समाज एक ऐसा समाज है, साध समाज ही नहीं साध संप्रदाय है। ये इस संप्रदाय के लोग मीट मछली मुर्गा अंडा बकरा शराब इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं और इनकी पर्सनालिटियाँ देख लीजिए, कुछ भी इस तरह की नहीं खाने के बाद भी एक से एक सब लंबे चौड़े पर्सनालिटी बढ़िया, चाहे महिलाएँ हों इनकी चाहे जेंट्स हों। तो इससे कि एक ऐसा संदेश भी हमारे क्षेत्र में लोगों में जाएगा और लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि गलत कामों में कुछ नहीं रखा है, अच्छे काम करना चाहिए और अच्छे काम करने वालों को चाहे यहाँ जो आए हैं इनसे कुछ सीखना चाहिए। बाकी यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी प्रकार का आयोजन सन 90 में उस समय बहुत छोटा हुआ करता था, मेरी आयु शायद 17-18 वर्ष की रही होगी उस समय। सन 90 में इस तरीके का आयोजन हुआ था बीजामऊ ग्राम में, तब भी ये आयोजन जब सन 90 में हुआ था तो बड़ा कौतूहल का विषय था क्योंकि जिस प्रकार से कुंभ अर्धकुंभ इत्यादि बड़े पर्व पड़ा करते हैं उसी प्रकार से इस मेले इस भंडारे का भी आयोजन होता है। उस समय हुआ था, इतने ही शान शौकत से हुआ था, इतनी शान शौकत से आज हुआ है, तो ये बड़ा कौतूहल का विषय उस समय भी था और आज भी है कि एक छोटे से ग्राम में पूरे हिंदुस्तान के लोग आकर अपना एक दूसरे से मिल रहे हैं, सामाजिक और धार्मिक जो विचार हैं उनका आदान प्रदान कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है और नवाबगंज के लोग उनका पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए लोगों का साध समाज के लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं पुनः शीघ्र इस प्रकार का आयोजन नवाबगंज में वो आयोजित करेंगे। बरेली नवाबगंज से विवेक शर्मा की रिपोर्ट।